Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नेता ओम प्रकाश राजभर हैं जो हमेशा अक्सर अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। इस कड़ी में उन्होंने अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मच गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर, वो जब जानेंगे तो आप भी दंगरा जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और उनके परिवार पर जमकर जुबानी हमले किए। इस दौरान सुभाषपा प्रमुख ने एक चौंकाने वाला दावा भी किया है। ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को मैनपुरी में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव का नाम लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अंदर की बात आप नहीं जानते हैं, दिन में बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों बोलते हैं, लेकिन दोनों ही रात में जाकर योगी जी और मोदी जी को गुलदस्ता भेंट करते हैं। उन्होंने आजमगढ़ के आगामी चुनाव को लेकर कहा कि आजमगढ़ में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा। विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। इससे पहले बलिया में शिवपाल यादव से ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने के दावों पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसा। शिवपाल यादव ने कहा कि एक बार फिर हम महाराज जी से उनके लिए सिफारिश कर देंगे कि उन्हें जल्दी से मंत्री बना दे। वहीं अखिलेश यादव ने भी वाराणसी में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर जुबानी हमला बोला था। इससे पहले सुभाषपा प्रमुख ने कहा था कि तीन बैठकों के बाद तीन राज्य गायब हो गए, अब चौथी बैठक कर रहे हैं, रिजल्ट सामने है, कोई कहने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं बार बार कहता था ये विपक्षियों ने ठाना है मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। आपने देखा अखिलेश जी लपट गए, नीतीश जी लपट गए, सारे लोग लपट कर जितवा रहे हैं। 2024 कोई लड़ाई नहीं है, जब विपक्ष के लोग खुद जितवाने में लगे हुए हैं तो लड़ाई कहाँ है। सपा के नेता अखिलेश यादव हटकर सहयोग कर रहे हैं, ये आरोप कांग्रेस के लोग भी बता रहे हैं। लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं बची है। बाकी जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने अपना बयान दिया है उसको लेकर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।